हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत अस्पताल में हो सकेगी ऑर्थोपेडिक सर्जरी। जिला कलेक्टर अंशदीप ने किया CRM मशीन का उद्घाटन। सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले मरीजों की हड्डियों की सर्जरी अब सोजत उप जिला अस्पताल में हो सकेगी। इसके लिए जरूरी CRM मशीन अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी LNT के CSR फंड से लगाई गई, जिसका उद्घाटन गुरुवार को जिला कलेक्टर अंशदीप ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के लेबर रूम के साथ जनरल ऑपरेशन थिएटर, प्रस्तुता वार्ड, शिशु वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने COVID-19 मरीजों की स्थिति को लेकर भी PMO डॉक्टर अनुसुया हर्ष से फीडबैक प्राप्त किया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर अंशदीप के पहली बार सोजत अस्पताल पहुंचने पर उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, PMO डॉक्टर अनुसुया हर्ष, तहसीलदार वीरेंद्र सिंह भाटी, थाना प्रभारी रामेश्वर लाल भाटी ने अगवानी की। इसके बाद वे सीधे ही ऑर्थोपेडिक सर्जरी वार्ड में पहुंचे, जहां LNT के प्रोजेक्ट हेड कर्नल संजय माथुर, ऑपरेशन मैनेजर संजय मारवाड़ी, रूट ऑपरेशन मैनेजर पांचूराम, मेंटेनेंस मैनेजर आनंद वाघेला, महिपाल सिंह, अशोक पुरी की उपस्थिति में CRM मशीन का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। अस्पताल में AC चालू करवाने की मांग। निरीक्षण के दौरान स्वयंसेवी संस्थान रोशनी फाउंडेशन के वीर बहादुर सिंगाड़िया ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मांग की कि भामाशाहों के सहयोग से मरीजों की सुविधा के लिए 24 AC लगाए गए हैं, जो काफी लंबे समय से बंद पड़े हैं। गर्मियों के इन दिनों में AC चालू नहीं होने से खास तौर पर प्रस्तुताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इन्हें चालू किया जाए। इस बाबत पास में ही खड़ी PMO हर्ष ने इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने बताया कि इससे बिजली का बिल अधिक आ रहा था, इसलिए उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद AC बंद कर दिए गए। इस बारे में उन्होंने अवगत कराया कि गर्मी को देखते हुए AC चालू होना जरूरी है। एक बार फिर से बात करके जितने जरूरी होंगे उतने AC को चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। अस्पताल में पड़े फंड का नहीं हो रहा है उपयोग। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेता महेंद्र पालरिया पार्षद मनीष सोलंकी ने बताया कि अस्पताल में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि का लंबे समय से उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि पैसे की अस्पताल में कोई कमी नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के ढीले रवैये के कारण पिछले लंबे समय से इस राशि का कोई उपयोग नहीं हुआ। जबकि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक कब होती है इसकी जानकारी किसी भी जन प्रतिनिधि को नहीं मिलती है, और केवल खाना पूर्ति के नाम पर कागजों में ही बैठक होकर रह जाती है। प्लास्टर टूटा देखा तो PMO से कहा ठीक कराओ। जिला कलेक्टर अंशदीप जब ऑर्थोपेडिक सर्जरी वार्ड का उद्घाटन कर वापस लैब रूम की तरफ आ रहे थे, इस दौरान उसकी छत का प्लास्टर टूटा हुआ था तथा उसमें लगे RCC के सरिये दिखाई दे रहे थे। इस पर कलेक्टर ने तुरंत ही PM हर्ष से टूटे हुए प्लास्टर की ओर से इशारा करते हुए उसको तत्काल प्रभाव से ठीक कराने को कहा। इसके बाद वे छोटे बीमार बच्चों के वार्ड SNYU वार्ड में पहुंचे और वहां पर भी व्यवस्था देखी। इसके बाद लेबर रूम के साथ प्रस्तुता वार्ड में भी निरीक्षण किया, CRM मशीन का डेमो कर बताया। उद्घाटन के दौरान जिला कलेक्टर अंशदीप ने मशीन का डेमो दिखाने की बात कही एवं इस मशीन की उपयोगिता बताने को कहा, जिस पर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुरेश चौधरी ने इस मशीन से ऑपरेशन में से मिलने वाली सहायता के साथ मरीज की सर्जरी पूरी विश्वसनीयता के साथ हो सकेगी, इस बारे में उन्होंने बारीकी से कलेक्टर को अवगत कराया। दवा वितरण केंद्र का भी किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर सबसे बाद में DDC काउंटर पहुंचे, जहां उन्होंने दवा वितरण काउंटर पर काम कर रहे कार्मिकों से दवा की वस्तुस्थिति के साथ उनकी उपयोगिता तथा दवाइयां खत्म होने पर कितने समय में वापस स्टाफ में पहुंचने आदि की भी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पूर्व पंचायत समिति सदस्य कालूराम मेघवाल, देवाराम बावर, कंपाउंडर ओम प्रकाश प्रजापत सहित कई नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नाथाराम बोराना की रिपोर्ट।